नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तीर्थराज तिवारी है। मैं अपने YouTube के चैनल तिवारी एंड कंपनी मलेशिया जॉब्स के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी न्यूज़ देने वाला हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, लगभग एक सालों से इंतज़ार था लोगों को, मतलब आप कह सकते हो 10-11 महीने से इंतज़ार था। दोस्तों, वो इंतज़ार की घड़ी आप लोगों को एक समाप्त हो चुकी है। मीन्स थंबनेल से भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं पूरी जानकारी देने से पहले, पूरी गाइडलाइन देने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करूँगा। आप अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, अगर आप अपने घर आने का मन बनाए थे, घर आना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पर, आपके पास परमिट नहीं है, आप इलीगल हैं, तो ये आपके पास पहला और आखिरी मौका होगा। अब गृह मंत्रालय ने वहाँ पे जो है कि एक पहल फिर से शुरू कर दी है कि आप अपने मुल्क वापस लौट जाएं। उसे संबंधी मैं सारे पेपर की कटिंग भी दे दूंगा दोस्तों। ये आउट पास ओपन हो चुके हैं, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन। हाँ, आउट पास ओपन हो गए, तो आप आउट पास जब अपना लेंगे तो कैसे लेंगे, इस बारे में भी मैं गाइडलाइन दूंगा। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि इन्होंने क्या कहा है, गृह मंत्रालय ने क्या कहा है उसके बारे में बात करता हूं, क्योंकि टोटली इंग्लिश में है तो आप लोगों के लिए थोड़ी कठिनाई होगी, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं आप लोगों को पूरी तरह से उसकी हिंदी मतलब कन्वर्ट करके बता देता हूँ। गृह मंत्रालय ने अप्रवासी विदेशियों को वर्ष के अंत तक प्रत्यावर्तित करने के लिए अवैध अप्रवासियों के लिए एक और माफी कार्यक्रम की घोषणा की है। मतलब कि जो भी अप्रवासी विदेशी हैं, उनको इस वर्ष के अंत तक यहाँ से प्रत्यावर्तित मतलब वापस जाने के लिए एक आखिरी मौका इन्होंने दिया है। गृह मंत्री तनश्री मुहिद्दीन यासिन ने कहा है कि बैक फॉर गुड प्रोग्राम नामक नया कार्यक्रम 1 अगस्त 31 दिसंबर तक चलने वाला है। मतलब यह कार्यक्रम जो इसका नाम रखा गया है बैक फॉर गुड प्रोग्राम, मतलब यह कार्यक्रम 1 अगस्त से, मतलब आज दोस्तों 19 तारीख है, ये इन्होंने कल 18 तारीख की मीटिंग में ये पास कर दिया था, और इन्होंने कहा कि 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक चलने वाला है। मतलब ये 4 से 5 महीने का कार्यक्रम है, इसमें दोस्तों जो लोग चले जाएंगे वापस वो चले जाएंगे, इसके बाद इन्होंने कोई मौका नहीं देना है। आगे मैं बताता हूँ इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि हम स्वेच्छा से उन्हें जाने का मौका दे रहे हैं, और केवल रिंगिट 700 का भुगतान करके, मतलब 700 रिंगिट का भुगतान करके आप अपने मुल्क वापस लौट सकते हैं। आवर्जन विभाग के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उन्हें उचित यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उचित यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता, मतलब आपको अपने एम्बेसी जाना होगा, जैसे उनके पासपोर्ट और उनके दूतावासों से विशेष यात्रा पास अपने एम्बेसी जाके लेना होगा दोस्तों। साथ ही अपने स्वयं के परिवहन के लिए अपने गृह देशों को वापस करने की व्यवस्था, मतलब आपको फ्लाइट की टिकट अपनी खुद की करनी होगी। मतलब गुरुवार जुलाई को ही है पुत्रजया में ये जो है कि एक संवाददाता सम्मेलन में इन्होंने कहा, मुहिद्दीन यासिन साहब ने और भी कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से आवर्जन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा और कोई भी बिचौलिया एजेंट शामिल नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी खबर ये है कि इसमें दोस्तों यह कार्यक्रम पूरी तरह से इमिग्रेशन आवर्जन विभाग, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मतलब आवर्जन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। आवर्जन विभाग मतलब थोड़ा कठिन वर्ड है, इसलिए आप इंग्लिश जाने कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही संचालित किया जाएगा और कोई भी बिचौलिया एजेंट इसमें शामिल नहीं होंगे दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एजेंट जब भी रखता है तो अपना 400-500 रखता है, इसलिए इसमें एजेंट का कोई रोल नहीं होगा, यह काम आपको खुद करना होगा। ये मैं गाइडलाइन दूंगा कैसे। यह केवल प्रायद्वीप मलेशिया में उपलब्ध है, उन्होंने कहा, मतलब यह प्रायद्वीप मलेशिया में ही उपलब्ध है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि यह कार्यक्रम सिर्फ मलेशिया में ही उपलब्ध होगा, अन्य किसी कंट्री में नहीं होगा कि आप कहीं दूर बैठ के यह कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं या अपना पास लगवा सकते हैं, और ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कहा। और आगे क्या कहा ये भी देखते हैं। यह पूछे जाने पर कि आखिरी एमनेस्टी कार्यक्रम के बाद कोई दूसरा मौका नहीं होने के बावजूद एक और एमनेस्टी कार्यक्रम क्यों लॉन्च किया गया, मतलब जब वो पहली बार लॉन्च किया गया था कि जो लोग अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, पिछली बार हुआ था आप लोगों को पता भी होगा, तो कुछ लोग अपना हिम्मत बना के रह गए कि हम नहीं जाएंगे, वो लोग फिर बाद में रोने गाने लगे कि यार मेरे को कभी आखिरी मौका मिल गया, मेरे को जाना है जाना है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अब ये जो इन्होंने पत्रकारों ने जब पूछा कि भाई आपने जब पहले ही कहा था कि अब कोई मौका नहीं होगा, फिर आपने ऐसा कार्यक्रम क्यों दिया, फिर दोबारा मौका ऐसा क्यों दिया, तो क्यों लॉन्च किया, तो मोहिद्दीन साहब ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं करने के बारे में सोचा था, मतलब वो नहीं चाहते थे कि हम लोगों को फिर से दोबारा मौका देंगे बाहर जाने के लिए, मतलब अपने मुल्क वापस लौटने के लिए, लेकिन मैं फ्रैंक होने के लिए अनिच्छुक, मतलब मैं अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मगर ये मेरी मजबूरी है एक और एमनेस्टी कार्यक्रम रखने के लिए, जबकि पिछले कार्यक्रम प्रभावित थे, देश में अवैध प्रवासियों की संख्या अभी भी बड़ी है। मतलब वो इसलिए कर रख रहे हैं, उनकी मजबूरी कि देश में बड़ी संख्या में तादाद में बड़े संख्या में लोग अभी जो है क्या है कि इलीगल तौर पर अनैतिक तरीके से रह रहे हैं, ये वो चाहते हैं कि वो लोग अपने मुल्क वापस लौट जाएँ।
यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि कितने हैं यहाँ पर इलीगल लोग, इसलिए हम उनसे अपने देशों में वापस जाने का यह अवसर आखिरी अवसर प्रदान कर रहे हैं और आग्रह करते हैं कि वो अपने मूल वापस लौट जाएं। फिर उन्होंने कहा कि वापस मत आना, उन्होंने कहा कि उन प्रत्यावर्तियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, मतलब उन्होंने कहा कि जो लोग अभी जा रहे हैं आउट पास से उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा दोस्तों, वो 5 या 6 साल के लिए होगा, जैसा कि वो अभी डिसाइड हो जाएगा, शायद 6 साल के लिए होगा इस बार। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की तरह यह कार्यक्रम कोई विस्तार नहीं होगा, मतलब अब इस कार्यक्रम में कोई, जैसे इस बार हुआ कि एक और मौका दिया गया, तो पूर्व की तरह इस कार्यक्रम में कोई विस्तार नहीं होगा, हमें व्यापार से मतलब है, या 5 महीने का समय बहुत। उन्होंने कहा कि 5 महीने का समय हम दे रहे हैं, 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक का समय है, इसलिए जिनको निकलना होगा इसी वक्त में निकलना होगा दोस्तों, इसके अलावा कोई विस्तार नहीं होगा और कोई आखिरी मौका अब नहीं होगा इसके बाद। और एक बार नया साल शुरू होता है तो मैं बता दूं दोस्तों, उन्होंने कहा कि पूर्व की तरह अब कोई भी इस कार्यक्रम में विस्तार नहीं होगा, ये 5 महीने का समय बहुत है। एक बार नया साल शुरू होता है तो हम कानून को पूर्ण विस्तार के लिए दोनों अवैध अप्रवासी और उनके नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मतलब जो भी लोग अब रहेंगे उनके लिए एक नया कानून, कड़ा कानून बनाकर जो भी विदेशी रहेंगे और जो उनके नियोक्ताओं हैं, जिन्होंने इनकी भर्ती कराई है, उन लोगों को जो है कि उन लोगों की जो है इन लोगों को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं आपको एक बात और कि मोहिद्दीन साहब ने यह भी कहा कि मलेशिया में आवर्जन कार्यालयों की लगभग 80 काउंटरों पर लगभग 200 अधिकारी तैनात होंगे, मतलब आपके जो इमिग्रेशन कार्यालय पर जो 80 काउंटर बनेंगे, ठीक है, इमिग्रेशन के 80 काउंटर खुलेंगे जिसमें 200 अधिकारी इस काम करने के लिए रेडी रहेंगे, मतलब तैयार रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अनिर्देश श्रमिकों जैसे मुद्दों का अपने नियोक्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा और घर जाने के लिए पैसे नहीं देंगे, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है उनको किसी मुद्दों पर मदद नहीं किया जाएगा, ना ही उनको घर जाने में किसी प्रकार के इस तरीके की पैसे रुपये से मदद करेंगे। वे अवैध रूप से यहाँ हैं, हम उनके वेतन विवादों को निपटाने में मदद भी नहीं करने जा रहे। उन्होंने यह भी कहा कि हम वेतन से संबंधी भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेंगे और ना ही हम इस तरीके का कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जिनका खुद का, दोस्तों इनका कहने का मतलब है जिनका खुद का विवाद है वेतन संबंधी कहीं रुका है तो अपना वेतन खुद निकालें या लगवाएं। इसमें आपके पास ये मौका है कि अब आप जल्द से जल्द पहले अपने मुल्क वापस आएँ और अपने आप को सुरक्षित कर लें, क्योंकि अब ये आखिरी मौका होगा, इसके बाद कोई मौका सरकार नहीं देगी और सख्ती से एक कानून बनाएगी नियोक्ताओं के लिए भी और जो अप्रवासी हैं, मतलब जो दूसरे मुल्क से लोग आए हैं उनके लिए भी, मतलब जो कानून है वो कम है उनकी नज़र में, और कड़ा कानून बनाएंगे इस 1 जनवरी से, आप कह लो 2020 से। तो दोस्तों आपके पास 5 महीने का मौका है, इसमें आप निकल के अपने मुल्क वापस आएँ। और आने का तरीका मैं बता दूँ, सबसे पहले आप अपने एम्बेसी जाएंगे, वहाँ से एक यात्रा पास लगेंगे, एक विशेष पास मिलेगा आपको, उसको लेके ही इमिग्रेशन काउंटर पर जाएंगे, तब आपको जो है प्लस टिकट लेना होगा और वहाँ से आपका आउट पास लग जाएगा और ब्लैक लिस्ट होकर आप अपने मुल्क वापस आ जाएंगे दोस्तों। कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है और इसमें कोई बिचौलिए या एजेंट का रोल नहीं है। फ़ायदे की बात यह है कि 700 रिंगिट लगने हैं, बाकी टिकट का देख लोगे आप और आपका आने जाने का जो भाड़ा किराया, मतलब 1500 के नियर अबाउट आपका खर्च आएगा अपने मुल्क वापस लौटने में। ठीक है दोस्तों, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।